हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे इस तरह की पैटर्न में ब्लाउज जो कि अभी बहुत ट्रेंड में है। तो चलिए देखते हैं इसे किस तरीके से बनाना है। तो ये है लाइनिंग। लाइनिंग को हमने प्रेस किया है और प्रेस करके डबल फोल्ड किया है इसे। अभी कॉर्नर है उसको कट करके हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। अब इस ब्लाउज का लेंथ देखेंगे, आपको मेजरमेंट जितना है उसी के हिसाब से लीजिएगा। तो यहाँ मेरा लेंथ है 40.5 इंच और टोटल लेंथ है 30.5 इंच, ठीक है। तो हमने 40.5 इंच में निशान लगा लिया। अब देखेंगे शोल्डर। शोल्डर ले रहे हैं 7 इंच पे और ये आर्म होल देखेंगे, तो आर्म होल लेंगे 6 इंच पे। और इसका चेस्ट है, हम बना रहे हैं 34 साइज का, तो चेस्ट 34 साइज का है। तो इसके लिए हमने 8.5 इंच लिया है और 2 इंच हम मार्जिन के लिए लेंगे, ठीक है। और दोनों का देखिए, आर्म होल में सेंटर निकाल लिए। अब यहाँ से हम 0.75 इंच लेंगे और गुलाई देंगे। तो इस तरीके से गोलाई देना है इसमें और फिर कटिंग करके हम इसे अलग कर लेंगे। तो कटिंग हो गया। अब देखिए, सबसे पहले शोल्डर टू ओपेक्सो पॉइंट देखेंगे। तो शोल्डर टू ओपेक्सो पॉइंट 9.5 इंच है और फिर ओपेक्स टू ओपेक्स लेंगे तो यहाँ है 7 इंच। अपेक्स टू अपेक्स है तो हमने लिया है 3.7 इंच और नीचे साइड से लिया है 3.5 इंच। और इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ से हम 2 इंच लेंगे और सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से और इसे यहाँ देके गुलाई देंगे। ठीक है, और यहाँ से 1 इंच गेप करते हुए हमें लाइन लगानी है, कट करके बाहर आ जाएगा। तो देखिए, इसे कट करके दिखाते हैं। तो इस तरीके से कट करेंगे और जो जो बीच में था तो वो बाहर आ जाएगा, इस तरीके से बाहर निकल जाएगा और ये भी हमारा बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, दोनों का सेंटर जहाँ आप 100 पॉइंट है उसको मिलानी है और यहाँ से 1 इंच लेना है और यहाँ दोनों को बराबर मिलाना है, फिर लाइन ड्रॉ करनी है और इसे भी कट करके बाहर करेंगे। सेंटर को कट कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ कटिंग हो गया। अब बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट की कटिंग के लिए सेम मेजरमेंट लेना है, लेंथ 40.5 इंच और शोल्डर इसमें कम करनी है। तो शोल्डर हम लेंगे 5.5 इंच पे और इसका जो नेक विथ है उसको लेंगे 2.5 इंच, ठीक है। इतना समझ में आया। और फिर आर्म होल तो सेम लेंगे 6 इंच और चेस्ट भी हमें सेम ही लेना है और इस तरीके से लाइन ड्रॉ करते जाना है। नीचे साइड से भी लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ आर्म होल के पास राउंड शेप देना है तो इसे इस तरीके से राउंड शेप देंगे और फिर इसे कटिंग कर देते हैं। देख, बैक पार्ट की भी कटिंग हो गया। अब इसमें हम डिजाइन बनाएंगे। तो सबसे पहले नेक की लेंथ देखेंगे। लेंथ मैं लूंगी 10.5 इंच पे, ठीक है। और फिर नेक विथ लेंगे, नीचे साइड से 3 इंच लूंगी और ऊपर से लेंगे 2.5 इंच, ठीक है। अब हम इसका नेक का शेप देंगे। तो यहाँ मैं वी शेप में बना रही हूँ। तो
इस तरीके से वीवी शेप दे देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए सेंटर से लेंगे और यहाँ निशान लगा लेंगे। अब इसे हम थोड़ी तिरछी करेंगे और लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ दोनों तरफ हाफ हाफ इंच का गैप रखेंगे, फिर तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हो गया। अब इसे देखिए कटिंग करना है, जो ये वाला पार्ट है उसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद कटिंग करेंगे इसे ताकि इसका कटिंग बराबर हो। अब इसे ओपन कर लेते हैं तो यहाँ देखिए इस तरीके से रहेगा। और मेन फैब्रिक पे रखते हुए इसकी कटिंग करनी है तो मेन फैब्रिक में इस तरीके से जमाते हुए इसे रखना है, क्योंकि यहाँ साइड से हमारा फैब्रिक कटा हुआ है। ठीक है, और इसी तरीके से सभी को हमने कट कर लिया। सबसे पहले फ्रंट पार्ट की देखिए, यहाँ जहाँ पास डिजाइन दिया हुआ है वहाँ पहले हम सिलाई कर लेते हैं। तो इसे पहले पिनअप करेंगे और इस तरीके से निशान लगा लेंगे। और फिर इसके कॉर्नर से स्टिच करेंगे। तो यहाँ स्टिच हो गया। अब इसे कटिंग करनी है तो कटिंग करके हम यहाँ से कट कट का निशान लगाएंगे। और इसे पलटने के बाद देखिए इसका जैसे नेक का शेप था बिल्कुल फिनिशिंग के साथ उसी तरीके से बनेगा इस तरीके से। अब जॉइंट लगा लेनी है तो दोनों नीचे तरफ से हमें जॉइंट लगाना रहता है प्रिंसेस कट में, तो इस तरीके से जॉइंट लगाना है। तो इस तरीके से दोनों साइड से हमने जॉइंट लगाया, देखिए इस तरीके से। तो दोनों तरफ से जॉइन लगा लिया, अब देख सकते हो। अब हमें क्या करना है, नीचे साइड से पट्टी लगा लेनी है तो पट्टी भी जॉइन करेंगे। ऊपर से सिलाई लगानी है, फिर इसे अंदर की ओर फोल्ड करते हुए इस तरीके से अंदर की ओर फोल्ड करनी है, फिर हमें कच्ची सिलाई लगानी है। इसे बाद में हम तुरपाई करेंगे इसलिए हमने कच्ची सिलाई लगा के कंप्लीट किया है। अब बैक पार्ट भी कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम नेक की स्टिच करेंगे ताकि हम इसे पलट सकें। तो इस तरह से, और फिर कटिंग करेंगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करके बाहर कर लेंगे और फिर यहाँ कट कट का निशान लगाएंगे। पिनअप किए हैं उसको बाहर निकालेंगे, फिर हम इसे अंदर की ओर इस तरीके से फोल्ड करेंगे, मतलब पलट लेनी है इसे। और पलटने के बाद देखिए इसका फिनिशिंग, और यहाँ हमने इस तरीके से इसे किया है
और इसे तुरपाई कर लेनी है। ठीक है, सिलाई करेंगे तो दिखेगा, इसलिए तुरपाई करनी है पूरा फिनिशिंग के साथ, और जो नीचे सिलाई दिया है उसे भी हम तुरपाई करके कंप्लीट करेंगे। अब दोनों फैब्रिक को अब हम दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं। इस तरह से पहले पिनअप करनी है और यहाँ थोड़ा अच्छे से करना पड़ेगा पिनअप, क्योंकि यहाँ ओपन है इसलिए। और ऊपर साइड से ज्वाइन लगाएंगे, तो ऊपर हमने ज्वाइन किया, एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लिया। अब फिर देखिए साइड से भी हमें हाफ इंच कट करना है, तो यहाँ हाफ इंच कट करके इसे पूरा हम फिनिश करेंगे। तो देखिए दोनों तरफ से हमने कटिंग कर लिया है। अब इसे हम ओपन करेंगे और फिर स्लीव से फिट करेंगे। ठीक है, स्लीव से भी कटिंग तो हमने कर लिया है, और इसे भी हम फ्रंट की ओर हाफ इंच कटिंग करेंगे और इस तरीके से देखिए फिट कर लेते हैं स्लीव से को। तो यहाँ स्लीव से कंप्लीट हो गया, अब इसे हम फिटिंग लगा लेते हैं। देखिए यहाँ से फिटिंग लगाएंगे तो वहाँ पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ ओपन है, उसे परफेक्ट फिटिंग आना चाहिए। तो इसे पिनअप करेंगे और फिर फिटिंग लगाएंगे। तो इस तरीके से दोनों साइड से ज्वाइन करनी है। अब यहाँ एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट करके बाहर तो कर लिए हैं, और फिर आप देख सकते हो इसका लुक कितना प्यारा लग रहा है। पहनने के बाद इसका लुक बहुत ही प्यारा लगेगा। तो फ्रेंड आज का ब्लाउज डिजाइन कैसा लगा? अगर ब्लाउज डिजाइन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक